हाय दोस्तों, मैं गौतम कुमार आप सभी के लिए आज विसागर फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड पे चर्चा करने वाला हूँ। उससे पहले उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अपने एटीट्यूड के अनुसार अपने ज़िंदगी को खुशहाल पूर्वक जी रहे हैं और अपने व्यवहार को इस प्रकार बनाए रखे हैं ताकि किसी भी जीव जंतु को कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं हो रही है। तो चलते हैं दोस्तों, विसागर फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, psindia.com, इस पर 78 पैसा विसागर फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड का शेयर प्राइस है और 28 मार्च 2024 1600 बजे का है। आगे देखते हैं अनाउंसमेंट, जैसा कि आपको दिख रहा होगा क्लोजर ऑफ ट्रेडिंग विंडो, तो रिजल्ट निकलने वाली है क्वार्टरली, तो उसी से संबंधित क्लोजर ऑफ ट्रेडिंग विंडो, जिसमें कि इनसाइडर ट्रेडिंग को रोक दिया जाता है एक्सचेंज के द्वारा, तो वही न्यूज है। जैसा कि कॉर्पोरेट एक्शन 30/12/2022 लास्ट है, राइट इशू ऑफ इक्विटी शेयर, उसके बाद में कोई भी कॉर्पोरेट एक्शन नहीं हुआ है। बल्क डीलिंग, तो बल्क डीलिंग 31/1/2024 को ही बाय हुआ था 73,86,015 क्वांटिटी का 85 पैसे के रेट पे। शेयर होल्डिंग पैटर्न, प्रमोटर के पास में मात्र 5.95% है और पब्लिक के पास में 94.05% है इस कंपनी का शेयर। हाँ तो दोस्तों, विसागर फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, ये कंपनी का कामकाज NBFC यानी कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, NBFC सेक्टर में कार्य करता है। विसागर फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, जिसका कि वेबसाइट का नाम है screener.in, इस पर दिख रहा होगा आपको, मार्केट कैप 45.6 करोड़ का, करेंट प्राइस 78 पैसा, 52 वीक का हाई लो 1.35 रुपया और 66 पैसा है, स्टॉक पी 6.37, ROC और ROE दोनों प्लस में है, ROC 4.32%, ROE 3.47%, बुक वैल्यू 1.13 रुपया, बुक वैल्यू से नीचे में ट्रेड कर रही है ये कंपनी की शेयर, डिविडेंड कुछ भी पे नहीं कर रही है, फेस वैल्यू 1 रुपये का है। जैसा कि 1 ईयर का प्राइस चार्ट देखने से ऐसा लग रहा है जैसे कि डाउन ट्रेंड बना हुआ है, लेकिन अभी क्वार्टरली और ये ईयरली का भी रिजल्ट आने वाली है, तो हो सकता है कि इसमें अप ट्रेंड बने। कब? जब पॉजिटिव रिजल्ट निकलेगा। अगर पॉजिटिव रिजल्ट नहीं निकला, यानी कि प्लस में प्रॉफिटेबल रिजल्ट अगर नहीं आया, तो फिर इसमें अप ट्रेंड बनने की कोई भी संभावना नहीं होगी इस शेयर में। बाकी ऑपरेटर गेम चल सकता है, काफ़ी कम प्राइस का शेयर वैल्यूएशन है इसलिए। बाकी इन्वेस्टमेंट का मेरा कोई भी सलाह नहीं है, इन्वेस्टमेंट करें तो अपने बुद्धि विवेक अनुसार, सूझबूझ के अनुसार ही। इसमें प्रोज और कॉन्स इस प्रकार है, प्रोज है 2, स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 0.69 times इट्स बुक वैल्यू, यानी बुक वैल्यू से नीचे में ट्रेड कर रही है जो कि 0.69 times है, और दूसरा है कंपनी हैज डिलीवरीड गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 112% CAGR ओवर लास्ट 5 years में
इसका प्रॉफिट ग्रोथ 112% का रहा है, वही बताया गया है। और कॉन्स इसमें 5 है, ज़्यादा कॉन्स है प्रोज की अपेक्षा। तो कॉन्स इस प्रकार है, थर्ड द कंपनी इज रिपोर्टिंग रिपीटेड प्रॉफिट, इट इज नॉट पेइंग आउट डिविडेंड, यानी कि प्रॉफिट को रिपीट कर रहा है और डिविडेंड कोई भी पे नहीं कर रही है। और दूसरा है प्रमोटर होल्डिंग इज लो, प्रमोटर होल्डिंग काफ़ी लो है, नहीं के बराबर तो नहीं बोल सकते हैं लेकिन काफ़ी नीचे है, 5.95% मात्र। तीसरा है कंपनी हैज़ अ लो रिटर्न ऑन इक्विटी ऑफ 1.93% ओवर लास्ट 3 ईयर्स। चौथा अर्निंग इंक्लूड एन अदर इनकम, अर्निंग में इंक्लूड किया गया है अदर इनकम, कितना तो 3,66,00,000 का। और चौथा है वर्किंग कैपिटल डेज हैव इंक्रीज्ड फ्रॉम 60 डेज टू 114 डेज, यानी कि 114 दिन, 60 दिन से 114 दिन बढ़ करके हो गया है वर्किंग कैपिटल। तो ये सारे कॉन्स है जो कि दोष है इस कंपनी में। यहाँ पर देखने को मिल रहा है पीयर कंपैरिजन, इसमें 8वें नंबर का कंपनी शो हो रहा है यहाँ पर, 8वें नंबर क्या 8 ही लगभग ज़्यादातर कंपनी पीयर कंपैरिजन में शो होता है। और पीई विसागर फाइनेंस का 6.37 है, तो पीई भी काफ़ी ज़्यादा नहीं है, लो में है, लो कैटेगरी में पी। तो इन्वेस्टमेंट के लिए तो अभी मौका है, बाकी अगर रिजल्ट आया पॉजिटिव तो काफ़ी बेहतर रहेगा इन्वेस्टमेंट। बाकी इन्वेस्टमेंट का मेरा कोई भी सलाह नहीं है, इन्वेस्टमेंट करें तो अपने बुद्धि विवेक अनुसार, सूझबूझ के अनुसार ही। क्वार्टरली रिजल्ट दिसंबर 2023 का, तो इसका माइनस में रिजल्ट आया है, नेट प्रॉफिट माइनस में 74,00,000 का है, जिसके वजह से ईपीएस माइनस में 1 पैसा है। कारण शुरुआती में ही सेल्स तो थोड़ा बढ़ा है पिछले क्वार्टर की अपेक्षा, लेकिन एक्सपेंस उससे ज़्यादा बढ़ गया जिसके कारण माइनस में रिजल्ट आ गया। लास्ट 12 मंथ का अगर देखते हैं तो ये पॉजिटिव है, 13 पैसा ईपीएस है, तो काफ़ी अच्छा है इतना छोटा शेयर प्राइस का कंपनी के लिए 13 पैसा अर्निंग पर शेयर लेकर के आना। अगर यहाँ पर ये देखते हैं और ऐसा अगर साल दर साल अगर चला तो ये कंपनी काफ़ी ग्रोथ करेगी। थोड़ा नज़र डालते हैं बैलेंस शीट पर, इक्विटी कैपिटल 58 करोड़ का है, रिजर्व इसके पास में मात्र 7 करोड़ का है, लेकिन छोटी सी कंपनी है इसलिए इसके पास में रिजर्व सही है। बाकी ब्रोइंग जो है 18 करोड़ का है, तो ये बैड साइन है कि ज़्यादा ब्रोइंग है और रिजर्व इसके पास में कम है। बाकी इन्वेस्टमेंट भी 13 करोड़ का है, अगर रिजर्व और इन्वेस्टमेंट दोनों को मिलाया जाए तो ब्रोइंग इसके पास में कम है। अदर एसेट काफ़ी अच्छा है, 73 करोड़ का है, फिक्स एसेट मात्र 1 करोड़ का है। तो मैं जहाँ तक देख पा रहा हूँ इस शेयर में कुछ ना कुछ खास बातें तो है, बाकी इन्वेस्टमेंट करें अपने बुद्धि विवेक से ही, सूझबूझ के अनुसार, मेरा कोई भी सलाह नहीं है इन्वेस्टमेंट का। कैश फ्लो प्लस में है, यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न जो कि शो हो रहा है दिसंबर 2023 के अनुसार लगभग सेम ही है। प्रमोटर के पास में 5.95% का है, पब्लिक के पास में 94.04% का है। नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स 1,24,688,
पिछले 2-3 सालों में काफ़ी ज़्यादा इस शेयर के प्रति इन्वेस्टरों का रुझान बढ़ा है। इसको देखते हुए इसका फ्यूचर तो ब्राइट लग रहा है। विसागर फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, जिसका कि सब्जेक्ट में आपको दिख रहा होगा उससे पहले 29 मार्च 2024 का है ये। सब्जेक्ट में क्लोजर ऑफ ट्रेडिंग विंडो, तो क्लोजर ऑफ ट्रेडिंग विंडो से संबंधित है। 1 अप्रैल 2024 से इसके इनसाइडर ट्रेडिंग को रोक दिया जाएगा, शॉर्ट में अगर समझा जाए तो। बाकी इसमें डिटेल में पूरा लिखा हुआ है। और कब तक रोका जाएगा, तो रिजल्ट आने के 48 घंटा बाद तक। तो उसमें कौन कौन से ट्रेड नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ पर है डेजिग्नेटेड पर्सन एंड देयर इमीडिएट रिलेटिव्स, जो कि वो लोग कंपनी को दिखा चुके होंगे कि हमारा ये रिलेटिव है, उन्हीं लोगों का ट्रेडिंग को रोका जाएगा इस कंपनी के शेयर की खरीद बिक्री करने में। बाकी दूसरे पेज पर कुछ भी है नहीं। एक बार फिर से याद दिला देता हूं दोस्तों, मैं वीडियो बनाता हूं ओनली वन नॉलेज पर्पस। इन्वेस्टमेंट का मेरा कोई भी सलाह नहीं है। इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने दिमाग का उपयोग करें, अपने सूझबूझ का उपयोग करें, क्योंकि पैसा आपका है और रिस्क आपका होगा। तो दोस्तों, इसी पर वीडियो को विराम देते हैं और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।